What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfact.in. आज 22 अक्टूबर 2019 ट्यूसडे है, सुबह के 7:55 हो रहे हैं। कल मंडे इलेक्शन का दिन था, दो स्टेट्स के इलेक्शन थे तो कल छुट्टी थी। अभी अगर देखें तो ग्लोबल इवेंट्स, जो यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर चल रहा था, वहां पर कुछ अच्छी डेवलपमेंट्स होने की खबरें आ रही है, और ब्रेक्जिट डील जो हो रहा है उसके बारे में भी पॉजिटिव खबरें हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में थोड़ा पॉजिटिवनेस दिखाई दे रहा है। इंडिया की बात करें तो दो स्टेट्स के इलेक्शन हो चुके हैं। कल एग्जिट पोल का रिजल्ट भी आया था, तो वहाँ पर देखने को मिला कि एनडीए को वन साइड बहुमत मिल सकता है। तो लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो 24th यानी थर्सडे को होगा, जब वीकली एक्सपायरी का दिन है। तो आज निफ्टी में एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल सकता है, हालांकि टेक्निकल लेवल्स पे कहां पर रेजिस्टेंस है वो आइडेंटिफाई करना होगा। लेकिन उससे पहले फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये एक पिक्चर है फ्राइडे का, यानी 18th अक्टूबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया था। अगर आपने हमारा फ्राइडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो यहाँ ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, ये 10 मिनट का चार्ट है, हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था अराउंड 11,610 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,564। तो जैसे निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो ब्रेकडाउन लेवल का एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लिया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया और बाउंस बैक हुआ। और जैसे ही ऊपर ब्रेकआउट लेवल हमारा यहाँ पर ब्रेक हुआ, तो फर्स्ट टारगेट 11,632 ये अचीव्ड हुआ, और उसके बाद सेकंड टारगेट 11,669 ये भी अचीव्ड हुआ। आप देख सकते हैं, एक एग्जैक्ट ये टारगेट अचीव होने के बाद एक पॉज लिया था और इसी के आसपास ये जाके क्लोज हुआ। तो काफ़ी एक्यूरेट साबित हुए थे फ्राइडे के लेवल्स भी। तो फ्राइडे के एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 42 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 31,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो यह था फ्राइडे के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स नासडैक में पॉजिटिवनेस देखने को मिला, हरे निशान में बंद हुए। यूरोपियन बाजार भी हरे निशान में बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्के जापानीज इंडेक्स 56 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। हालांकि चाइना मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है, और हांगकांग मार्केट 36 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखें तो 23 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है, और एसजीएक्स निफ्टी 55 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो थोड़े से पॉजिटिव संकेत है, एशियाई बाजार में थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर मैगडी को अगर आप ये देखें, मैगडी को, तो इसने अभी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। हालांकि जीरो लाइन के नीचे है, लेकिन इसने पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है। आरएसआई में हमने वीकली चार्ट में ये यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को आइडेंटिफाई किया था। इसका नेकलाइन का ब्रेकआउट मिलने के बाद ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला था। अभी इसने ये जो 50 का मिड लाइन है, इसका भी सपोर्ट टेस्ट करके, एवरेज लाइन का सपोर्ट टेस्ट करके फिर से आरएसआई बाउंस बैक दिखा रहा है। तो ओवरऑल आरएसआई और मैगडी सपोर्टिंग इंडिकेटर्स दोनों भी पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हैं। ऊपर प्राइस एक्शन की बात करें तो फ्राइडे को भी हमने एक पैटर्न की यहाँ पर बात की थी, हमने कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था। ये हो सकता है ये कप, और ये हो सकता है उसका हैंडल। तो अभी इसका ये जो नेक लाइन बन रहा है, ये जो नेक लाइन है, इसका अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ज़बरदस्त निफ्टी में यहाँ से हमें अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है, और हमने यहाँ पर अगर आने वाले प्रोजेक्ट्स, आने वाले लेवल्स को प्रोजेक्ट करने के लिए यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन टूल को यूज किया था, ये लो ये हाई और इस लो को पकड़ के। तो इसका 38.2 और 50% का लेवल अचीव हुआ है, और लास्ट वीक का ये जो बुलिश कैंडलस्टिक बना है वो काफी स्ट्रांग है, लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है, और 50% के ऊपर ये क्लोज हुआ है।
तो 11,600 अभी सपोर्ट का काम कर सकता है और ऊपर में तुरंत रेजिस्टेंस होगा 11,723 का। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी इंडेक्स में हमें 12,000 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ओवरऑल वीकली चार्ट भी स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर हमें इस समय दिखा रहा है। डेली चार्ट पर चलते हैं। ये डेली चार्ट में अगर आप देखें तो ये जो फॉर्मेशन है ये हायर हाई हायर लो का बन रहा है, यानी प्रीवियस कैंडल का जो हाई है और लो है इसके ऊपर नेक्स्ट डे का हाई और लो बन रहा है। तो कंटिन्यूस यहाँ से 6 डेज हमें ये हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अभी ये एग्जैक्ट इसी लेवल के पास है जहाँ से हमने ये जो ज़बरदस्त अपसाइड मूव आया था यहाँ से करेक्शन आया था, तो इसी लेवल के पास ये पहुँच चुका है। तो हो सकता है एक यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे, ये फिर से यहाँ से एक छोटा करेक्शन दिखा के फिर अपसाइड मूव दिखाए, या फिर हो सकता है ये तुरंत ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे और 11,723 के पास ये एक रेजिस्टेंस फेस करे। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग अपना ट्रेडिंग प्लान बनाए ओवरनाइट पोजीशन के लिए। फिलहाल स्ट्रक्चर अभी देखें तो तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, हालांकि ये जो मूविंग एवरेजेस है अभी भी ये मिक्स्ड अप है। वीकली चार्ट जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर्स में अभी तक नहीं है, तो डेली चार्ट में अभी ये जो गैप क्रिएट हुआ है प्राइस और ये जो मूविंग एवरेज है इनके बीच में काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट हुआ है। तो हो सकता है ये 20 EMA को ये 20 EMA को पकड़ के चलता है। आप देख सकते हैं ये प्राइस एक्शन जैसे ये गैप क्रिएट होता है यहाँ से बहुत बड़ा, तो ये नीचे जब भी आता है तो मूविंग एवरेजेस के पास ये सपोर्ट टेस्ट करता है और फिर एक बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करता है। तो अभी ये फिलहाल जो गैप है ये काफ़ी बड़ा हो चुका है और जो पिछला जहाँ से गिरावट आई थी इसी लेवल के पास ये आ चुका है। तो इन लेवल्स के अकॉर्डिंग अपना पोजिशनल ओवरनाइट पोजिशनल ट्रेड अपना प्लान करें। डेली चार्ट और वीकली चार्ट को देख लिया, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में। आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करें। यह है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो लास्ट ट्रेडिंग आवर्स कुछ बचे थे तभी एक बियरिश कैंडलस्टिक देखने को मिला था। तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक है इसके ऊपर यानी 11,685 जो फ्राइडे का हाई था इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ से ये फॉल आया था, तो एक हमारा क्विकली एक छोटा टारगेट होगा 11,700। ये हमारा एक फर्स्ट क्विकली एक छोटा टारगेट होगा। अगर जो न्यूज़ आई है रिलायंस का जो रिजल्ट आया है, रिलायंस का अगर आप देखें फ्राइडे को एक ज़बरदस्त रिजल्ट आया था, जो Q2 का नेट प्रॉफिट था ज़बरदस्त, उसमें हमें बढ़त देखने को मिली थी। तो हो सकता है निफ्टी में आज एक गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिले। तो 11,700 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा ये जो पिवट पॉइंट का R1 का लेवल है 11,713, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो ये जो R1 का लेवल है 11,713 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो मैं गैप अप ओपनिंग अगर होता है तो वो स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ये R1 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन रखे और तभी कुछ फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 11,727, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा अगर गैप अप ओपन होता है और R1 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो ये जो बियरिश कैंडलस्टिक का लो है इसके नीचे तुरंत ये पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है यानी 11,633, तो इसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी बुलिश है, कहाँ से भी ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ पर अगर 11,633 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाए और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,611, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,590, ये हमारा यहाँ पर सेकेंड टारगेट होगा। तो ये निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमने यहाँ पर अलग स्ट्रैटेजी बनाई है, ठीक है। तो
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।